तुभ्यं नमो जिनेभवो दधि सोसिनाये। बोले आदिनाथ भगवान की, बोली चंदा प्रभु भगवान की। मुझे पता थोड़ा सा टाइम हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग अच्छी जयकारा बोलो। आप जितनी जल्दी जयकारा बोलोगे उतनी जल्दी छोड़ दूंगी। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की, बोलिए महावीर भगवान की, बोली चौबीसों भगवान की, बोली जैन धर्म की, जिनवाणी माता की, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य सुमत सागर जी महाराज। ये कांटों में भी, ये कांटों में भी महक बिखेरा करते हैं, ये परविहीन पंक्षी में भी चहक बिखेरा करते हैं। जिन जिन की सांसें टूट चुकी हैं दुख दर्दों से, जिन जिन की सांसें टूट चुकी दुख दर्दों से, ये उनके प्राणों में भी, ये उनके प्राणों में भी चहक बिखेरा करते हैं, ये उनके प्राणों में भी चहक बिखेरा करते हैं। धन वैभव के जिन्हें भाई नालक हैं, धन वैभव के जिन्हें भाई नालक हैं, चारित्र के जो सच्चे हिमालक हैं, मंदिर की मूर्तियां तो मौन रहती हैं, गुरुदेव तो चलते फिरते जिनालक हैं, गुरुदेव तो चलते फिरते जिनालक हैं। ऐसे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य सुमत सागर जी महाराज जी की, परम पूज गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की, परम पूज गुरुदेव आचार्य सन्मत सागर जी परम पूज गुरुदेव आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी की, परम पूज गुरुदेव आचार्य विराग सागर जी परम पूज गुरुदेव आचार्य वर्धमान सागर जी दिन दिन बढ़ती नई उलझने सुलझ नहीं पाती हैं, दिन दिन बढ़ती नई उलझने सुलझ नहीं पाती हैं, हल होती हैं एक अगर तो चार नहीं आती हैं, हल होती हैं एक अगर तो चार नहीं आती हैं। दुनिया देखो भटक रही है उलझन को सुलझाने में, मिले त्याग से सही शांति जिनवाणी बतलाती है। लोग सोचते हैं कि धर्म करो तो जीवन में बहुत व्यवधान आ जाएंगे, जीवन आनंद से नहीं जिया जाएगा, जीवन में संयम होगा तो जीवन एक प्रतिबंधित हो जाएगा। मैंने कहा कुछ बंधन होते हैं जो बंधन भी हितकर होते हैं, और कुछ बंधन ऐसे होते हैं जो कि जिन्हें तुम महोत्सव का रूप दे लेते हो। विवाह का बंधन होता है, तुम कितने अच्छे से उसको मनाते हो, गठबंधन पर नए गौर देते हो जो गांठ बांधता उसको। सोच कर देखना, क्योंकि वो तुम्हें हितकर लगते हैं, और यदि संयम का बंधन हो तो मुक्ति सुंदरी से फेरे पड़ जाते हैं, ध्यान रखना। क्योंकि यहाँ के बंधन सिर्फ संसार में भरमाते हैं, और एक बंधन परमात्मा से प्रेम का बंधन बंध जाए तो तुम्हें मुक्ति तक ले जाते हैं। कर्म बंधनों को तोड़ने में भी काम आते हैं। ऐसे ही कोई जूता छुपा दे तो जूते ही जूते मिले, समझ के, कोई जूता चुरा ले तो जूते ही जूते मिले, और शादी में जूता चुराओ तो पैसे और मिलते हैं। आगे आने वाले समय में सब परंपराएं खत्म हो जाएंगी, क्योंकि साला होगा तो साली नहीं होगी, और आगे चल के तो एक ही होगा, समझ गए। क्यों? क्योंकि हम लोग रोज पढ़ लेते हैं कि आयु दिन दिन बढ़ती जावे, क्या हो, माया बढ़ती जावे, आयु दिन दिन बढ़ती जावे, काया घटती जावे। काया जीर्ण होती है और माया बढ़ती जाती है, आपका स्वास्थ्य खराब होता है और आपके स्वार्थ पनपते जाते हैं, आपके जीवन में पड़ाव नहीं आता है। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, दाणूणम धमूण चागुण भोगुण भजरपयंगोसो लोहक कसाए पड़ियो मरियो न संदेहो। कहते हैं लोहक कसाए पड़ियो मरियो न संदेहो, तुम
पूजन करते हो, दान देते हो, मुनियों को आहार चर्या में देते हो, तुम ये मत सोचना तुम बहुत बड़े आदमी हो। तुमने अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया, तुमने नरक जाने के रास्ते को बंद कर दिया। क्योंकि यदि तुमने बहुत धन कमाया है तो पढ़ाया हुआ तत्वार सूत्र में कि बहुत आरंभ और परिग्रह करने वाला नरक जाता है, लेकिन कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि पूजन करने वाला तीन लोक के सार सुख यानी सार सबसे श्रेष्ठ पूज्यता को प्राप्त होता है, और दान देने वाला तीन लोक के उत्तम भोगों का उपभोक्ता बनता है। सोच कर देखना, तुम देते हो मुट्ठी भर और लाते हो बोरी भर। किसान क्या होता है, क्यों कहा है बीजीरा कि फल भोगे वे ज्यो किसान जग माही त्यों चक्री नप सुख करे धर्म विषारे न। बीज राख फल भोग वे ज्यो किसान जग माही त्यों चक्री नप सुख करे धर्म विसारे न। धर्म का मतलब जीवन को बाधा देना नहीं है, धर्म का मतलब जीवन को सुचारू रूप से, जीवन को महोत्सव बनाना, जीवन को आनंदमय बनाना। आप कहोगे माता जी आनंद कहाँ है, किसी के पास जाओ ये छोड़ो वो छोड़ो वो छोड़ो, हमने कही जो डॉक्टर छुड़वाएगा और पैसे भी ले लेगा, यहाँ छोड़ेगा तो तेरा संयम पल जाएगा, स्वास्थ्य भी अच्छा रह जाएगा। आते हैं लोग लाखों बेकार आने वाले, जाते हैं लोग लाखों बेकार खाने वाले। कुछ खा के मरे, कुछ खिला कर मरे, लेकिन जीवन धन्य उसी का है जो तुम्हें पा के मरे, जो प्रभु को पा कर मरे। क्योंकि बिना खाए तो 3 महीना जी सकते हो, ज़्यादा खा लो खराब खा लो तो 1 दिन में राम नाम सत्य हो जाए। भोजन बिन नरकों में जीवन भर पेट मनुज क्यों मरता है, भोजन बिन सागरों पर्यंत जीता है। शाम को 6 डाला की क्लास में पढ़ते हैं, 3 लोक को नाज जुखाए मिटे न भूख कड़ा न लगाए, सागरों का पानी पी ले एक बूंद नहीं मिलती है, और अभी तुम्हें संयम का बंधन बंधन लगता है। अभी बड़ी अच्छी बात आप सुन रहे थे कि परिवार वाले पैसे में काम आएंगे लेकिन पाप में काम नहीं आएंगे, क्योंकि बनी पर देखिए लाखों निसार होते हैं और बनी बिगड़ती है तो दुश्मन 1000 होते हैं। जीवन भर तुम कहते हो धन 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 धन, और 1 दिन हो जाता है तुम्हारा निधन। कपड़ों के मील खोल जाना मखमल, और क्या कह रहे हैं मखमल के मील खोल जाना, लेकिन तुम्हें मिलेगी तो मलमल की मिलेगी। तुम इतनी बड़ी बड़ी कोठियां बनवा जाना, जब आखिरी में रात में आ गए तो भी निकाल दिया जाएगा, दिन में तो इजाजत ही नहीं रहेगी, क्योंकि तुम्हें फूक फाक के आते हैं, तुम्हारा सारा अस्तित्व मिटा कर आते हैं और मुर्दे के पीछे पैसे और फेंकते हैं कि देख तू पैसे के पीछे तूने अपनी सांसों को बर्बाद किया, अब तेरे हिम्मत हो तो 1 पैसा उठा के बता, 1 पैसा उठा दे तब जानो कि तू पैसे के लिए इतना पागल रहा। मैं ये नहीं कहती हूँ कि तुम पैसा मत कमाना, पैसा कमाना, लेकिन त्यागियों को मोक्ष मार्ग पर चलाना। अपने यहाँ कोई गांव में व्रती हो तो कहना आप चिंता नहीं कीजिए, हम आपके व्रत पलवाएंगे। हम लोग हमेशा कहते हम क्या कर सकते हैं, हमने कहा अरे एक बेटी की शादी तुम अकेले कर लेते हो, अपने बच्चों के लिए 7 पीढ़ियों का इंतजाम कर लेते हो, और साधुओं के लिए क्या नहीं कर सकते, हम क्या करें, हम तो हमारे क्या बस में थी, हम क्या नहीं कर सकते। क्योंकि कुंद कुंद स्वामी ने कहा है दिनो हवे धनो पत्ता पत्तम किम व्यारणे, तू देने मात्र से धन हो जाता है। और बड़ी अच्छी बात कही, हमारे दिल इतने छोटे हो गए कि चौके में कोई आता है तो हमारा इतना दिल ही नहीं करता किसी को कुछ दे दे। क्या कहा है जो मुनि भक्त विशेष मुंजई मुंजई नी मेण निबाण,
यानी जो मुनि और त्यागियों को हार देकर शेषान कहा है, हमारे यहाँ प्रसाद नहीं कहा लेकिन शेषान कहा है, जो उस चौके में है वो कुछ देना चाहिए, क्योंकि आपको पता है दान के बाद दक्षिणा दी जाती थी। अपने बोलते दान दक्षिणा, आपने देखा होगा कभी देते हैं तो 111 रुपया, 1011, 1001 रुपया, आपने देखा होगा कभी अपन 1000 नहीं बोलते। मंदिर में भी यदि बोलेंगे तो 50 रुपये नहीं बोलते हैं, क्या करते हैं 51 रुपया बोलते हैं। 1,11,000 बोलोगे लेकिन अकेले नहीं बोलते हो। क्यों नहीं बोलते हो? क्योंकि दान दिया है तो हमें खुशी है, उसके ऊपर कुछ और भी देंगे, क्योंकि तुमने सौभाग्य दिया है। नहीं देते तो हमारा दान क्या होता? कहाँ देते हम अच्छे पात्रों को, कहाँ दे पाते? क्योंकि लेने वाला नहीं हो तो क्या करेंगे? तुम्हारा धन मिट्टी हो जाएगा और तुम्हें मिट्टी कर देगा। आजकल आपने देखा लोग पत्थर से बदतर हो गए हैं। पहले मकान कच्चे और आदमी पक्के होते थे, मकान में मिट्टी में पानी पड़े तो मकान नमी आ जाती थी। आजकल जितने पानी पड़े उतने मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि पक्के मकान बनाने लगे हैं लोग, दिल के मकान ढाने लगे हैं लोग, अपने बच्चों से सुखों की उम्मीदें करते हैं लेकिन अपने बुजुर्गों का दिल दुखाने लगे हैं लोग, अपने बुजुर्गों का दिल दुखाने लगे हैं लोग। एक बार एक पिताजी ने कुछ दो तीन बार बेटे से पूछा कि ये क्या है, ये क्या है। बच्चे ने उलझ के कहा कि तुम्हें बोलते चुपचाप बैठा करो, बार बार क्यों पूछते हो, दिमाग खराब कर देते हो। उसने कहा बेटा एक बही उठा ला, वहाँ पर इस सन की एक बही रखी है। बेटा बड़ा उत्सुकता से गया। आपको पता है यदि बुढ़ापे में बाबा पिताजी बाबा बोल रहे हो तो आपको बेदी समझ में नहीं आती है, आपको कोई बक्सा ही समझ में आता है, क्योंकि तुम्हारी नज़र यही रहती है बाप जिंदगी भर पैसे के लिए मरता रहा, तुम भी मरते रहोगे। और बाप अपनी पाप की पगड़ी तुम्हारे ऊपर रख गया है कि बेटा मैं तो पाप में मर रहा हूँ, तू भी पाप में मर। लेकिन ध्यान रखना उस समय भी ये उत्तरदायित्व लेकर पगड़ी रखो कि श्रावक धर्म पाया है, इस धर्म की परंपरा को बहुरूप में पगड़ी की तरह रखेंगे तो तुम्हारी पगड़ी की रस्म सार्थक हो जाएगी। पाप की पगड़ी नहीं रखना, परिग्रह पोट उतार सब, वो तो उतारने की बात है, परिग्रह की पगड़ी मत रखना। आप लोग कह रहे थे अभी वसीयत, क्या कह रहे थे, कुछ ऐसे कि बच्चों के नाम कर देते हो। हमने कही जितना चाहे नाम करना, बच्चे तो कुछ ही दिन बुड्ढे की फोटो लगाएंगे, कितने दिन कौन लगाता है। आप बताओ किसके इसके यहाँ 5 पीढ़ी की फोटो लगी है, एक आध कोई के यहाँ होगी तो होगी, नहीं तो वो बेचारे कितनी दौलत जोड़ के मर गए तुम्हारे लिए। सब लोग अपने बच्चों की चिंता करते हैं लेकिन बच्चे अपने बच्चों की चिंता करते हैं। तो बाप ने जब कहा कि बही उठा कर ला, वो बही उठा कर लाया। पिताजी ने कहा एक दिन में तुझे कौवा को पूछने पर तूने बार बार पूछा था कि ये क्या है, ये क्या है, तो मैंने एक दिन में तुझे 75 बार एक शब्द बताया था, आज मैंने सिर्फ 2 बार पूछ लिया, तो तूने इतनी बड़ी बात कह दी कि बार बार मत पूछा करो। आप भी ध्यान रखना, क्योंकि बचपन में बाहरों का बोझ, बचपन में किताबों का बोझ, जवानी में बाहरों का बोझ, बुढ़ापे में चिंताओं का बोझ, और मर गए तो लकड़ी में चिताओं में लकड़ियों और अंगारों का बोझ। तुम जीवन भर बोझ लेने के लिए आए थे कि बोझ उतारने के लिए आए थे? कभी मत सोचना कि मेरे बाद दुनिया नहीं चलेगी। अभी आपसे किसी से कह दें कि 1 घंटा बैठो ज़्यादा, तो कहते माता जी हमारे बहुत सारे काम हैं, हम कैसे बैठ सकते हैं। ध्यान रखना,
आपके बहुत सारे काम है और कह दे काम तो होते रहेंगे, कहने लगे अरे माता जी हम नहीं रहे तो कुछ नहीं होगा। ध्यान रखना तुम्हारे बुजुर्ग भी इसी गलत फहमी में मर गए कि हम नहीं होंगे तो कुछ नहीं होगा, और उनके बाद तिया तीसरे पर कोई श्रद्धांजलि सभा में याद कर ले तो बरसी के दिन, नहीं तो 8 दिन बाद पता भी नहीं चलता कि बुड्ढे यहाँ पर था। और सच बताना लोग रोते किस लिए हैं, अब बाबूजी चले गए अभी ये काम कौन करेगा। हमने कही कभी तो रोया करो गद्दारो लोग, ये बेवफा है ये दिल अभी मानता नहीं और कम वक्त ना समझे ने जानता नहीं, कभी तो रोया करो कि अरे बाप तू इतनी आसक्ति में मर गया, इतने पाप में मर गया, तू कहाँ गया होगा, हम तो तेरे पैसे से गुलछर्रे उड़ा रहे, तेरे पैसे से तेरी तेरवी मना रहे। ध्यान रखना तू जोड़ जोड़ के गया, हम लोगों को लड्डू पूड़ी खिला रहे, तू पहले ही अपना पैसा त्यागियों के हाथ पर रख जाता, पूजा में लगा जाता तो तू कम से कम अच्छी जगह जाता। लोग कहते हैं आज हमने उनकी पुण्य स्मृति में किया, हमने कि वो तो मर गया स्मृति में पाप इकट्ठे कर करके, स्मृति में तो वो बेचारा पाप इकट्ठे कर गया, अब तुम्हारी स्मृति कहाँ जा रही, वो नरक में एक एक दाने को तरस रहा होगा। तुम कह रहे हमने उनकी पुण्य स्मृति में किया, ये कहो हमने अपनी स्मृति को पुण्य रूप में किया। ध्यान रखना अपनी स्मृति को, बेचारा वो तो आसक्ति में मर गया, तुम विरक्ति में मरो, तुम आसक्ति में नहीं तुम विरक्ति में मरो, क्योंकि तन धन को साथी समझा था पर ये भी छोड़ चले जाते, मेरे न हुए मैं इनसे अति भिन्न अखंड निराला हूँ। आप लोग रोज पढ़ लेते हो जन्मे मरे अकेला चेतन सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या एक दिन यह देह जुदी होगी, देह जुदी होगी, अरे जुदी होगी उसके पहले समझ तो ले फर्क तो ले, कोई मुसाफिर आता है तो तुझे पता होता है कि 2-4 दिन को आया है, और सच पूछो 60 जियो 70 जियो 80 और 85 जियो तनक सी जिंदगी पे काहे इतरात हो, जूना भय जात हो जिवरिया भय जात हो, तनक सी जिंदगी पे फूले ना समात हो, आपकी जिंदगी है ऐसे अकड़ के चलता है कि जैसे यहाँ हमेशा को आया है। कुछ बात कहो माता जी ये बीमा करा रखा ये इंश्योरेंस करा रखा, मैंने कहा जीवन का बीमा भी करा ले, जीवन में तुझे क्या मिलेगा, यहाँ बीमा का पैसा भी तेरे बच्चों को मिलेगा तुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम अपने बच्चों को वसीयत देते हो, वसीयत काम नहीं आएगी, नसीहत दिया करो तो बच्चों का जीवन सफल बन जाएगा। यदि बरसात नहीं हो तो खेत नहीं फलता है, और संस्कार नहीं दिए जाए तो बच्चा अच्छा जीवन नहीं फलता है। वहाँ नाग नागनियों को आधे जलों को नमोकार मंत्र सुनाया था, तुम अपने पलों को अरिहंत और नई संत नहीं बना पाओ तो कम से कम श्रीमंत तो बनाओ, सच्चा धर्मात्मा तो बनाओ, क्योंकि लोग कहते भक्त नहीं भगवान बनेंगे, हमने कही जिस बिन नहीं जीने राजसी जे तुर लो जग कीच में एक घरी मति बिसिरो करो जस आयु जम मुख बीच में। क्या कहते हैं एक ठोकर लगी और जा सकते हैं, और लगी या नहीं लगी ये तो जीवन है, इसमें तो आग लगेगी लेकिन त्याग से एक बार वो पर्याय मिलेगी, जागरण से वो पर्याय मिलेगी, जो जगत पूज्य हो जाओगे तुम, जगत पूज्य होने की पर्याय जगाओ, वो संपत्ति पाओ जो कभी दोबारा एक बार मिल जाए फिर विनाश को प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि हमने भगवान के दर्शन किए, सिर्फ प्रतिमा के दर्शन किए, प्रतिभावान के दर्शन करने की कभी कोशिश नहीं की, और हम वो भिखारी हैं भगवान ये छोड़ गए भगवान ये छोड़ गए भगवान ये छोड़ गए। मैंने कहा जो पाया था उसकी तरफ भी याद किया करो,
जो पाया वो बहुत कुछ था, जो छोड़ा वो तो छूट ही जाता है, नहीं छोड़ो तो दुनिया छुड़ा लेती है। ध्यान रखना, ज्ञानी वो होता है जो खड़े खड़े निकल जाता है, और अज्ञानी वो होता है जो पड़े पड़े निकलता है। मैं घर से निकलने की बात नहीं करती हूँ, घर से निकल भी जाओगे तो दिल में घर और सुंदर लगेगा। ध्यान रखना, पत्नी घर में रहे तो झगड़ा मगड़ा करती है, और पत्नी मायके चली जाए तो बड़ी अच्छी लगती है, समझे? क्योंकि फिर उसकी अच्छाइयाँ याद आती हैं। इसी प्रकार से तुम घर छोड़ भी दोगे बिना विरक्ति के तो घर की ज़्यादा याद आएगी। अभी तो बच्चे झगड़े मगड़े करते तो थोड़ा सा वैराग्य भी आ जाता था, फिर वहाँ तो बच्चे ही बच्चे नजर आएंगे। सच बताना, तुम परमात्मा की प्रतिमा जब हाथ में अभिषेक के लिए लेते हो, इतना ही चेहरे में मुस्कुराहट होती जितना पोते को लेते हो। पोते को लेते टाइम परमात्मा से ज़्यादा मुस्कुराहट होती है, उसे तो ऐसे निहारते हो जैसे परमात्मा को भी नहीं निहारते हो। यहाँ तो कहते तुमको पूजे सुरपति है पति नरपत देव, धन्य भाग मेरो भयो करण लगो तुमसे। आप कैसे बोल रहे हो, तुमको पूजे सुरपति है पति नरपत देव, धन्य भाग मेरो भयो करण लगो तुमसे। अरे सोचो, तुम्हें आज प्रधानमंत्री से मिलने का मौका मिले ऐसी ही बात करोगे जैसे तुम मंदिर में परमात्मा से करते हो? अरे तुम्हारे पैरों में गति आ जाएगी, चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी, दिल में उमंग आ जाएगी, और तीन लोग के नाम से मिलते हो सारी बातें चलती रहती हैं। एक आदमी राम राम बसता था, गाली भी दे लेता, बेईमानी भी कर लेता, डंडी भी मार लेता, ऐसी तुम्हारी हालत है, सब काम कर लेते हो। और मंदिर तो इसलिए आ जाते हो, कुछ लोग आप लोग धर्मात्मा लोग तो अच्छे हैं। बाकी एक व्यक्ति से हमने बोला, भाई साहब रोज मंदिर आते हो? बोले इसलिए आना पड़ता है, थोड़ा समाज में इज्जत बनी रहे, समझ गए? लोग इसीलिए तो आते हैं मरने पर, क्योंकि कहते हैं कि वास्तव में मंदिर इसलिए नहीं आना कि तुम्हारी इज्जत बनी रहे, मैं कहती हूँ इसलिए आना कि तुम्हारी इज्जत बची रहे। बनी रहे कि नहीं? रूखन बिकाया भाग्य बसते देवे केंद्र भया, क्या करोगे? अरे ऐसी पर्यायें पाई हैं जो कि कभी कभी पालक लेते हो तो इतनी सी सौंफ की भाजी फ्री में डाल दी जाती है, तुम्हारी इतनी कीमत भी नहीं रही। ऐसे अकड़ रहे हो जैसे तीन लोग के सम्राट बनने आए थे, क्योंकि कहते हैं अपनी औकात अपने अंदर, जीवन में उसने बड़ी बात कर ली जिसने स्वयं से मुलाकात कर ली। क्योंकि कहते तेरा एक एक सांस हीरा मोती जो गवाने के काबिल नहीं है। एक राजमहल में एक नौकरानी काम करती थी, एक दिन उसका बेटा उसे बुलाने गया, और आपको पता है विषयासक्त चित्ता नाम गुणा कोवा ननस्ते, कौन सी अपनी औकात भूल जाता आदमी। और गया तो उसकी लड़के राजकुमारी की सेवा करती थी उसकी माँ, उसने देखा बस, फिर तो क्या है आपको पता, मैंने कहा था नज़र हया भी बन जाती है, बेहया भी बन जाती है, लड़ जाए तो दुख देती है, भिड़ जाए तो दुख देती है, आ जाए तो दुख देती है, चली जाए तो दुख देती है। और वैसे ही हुआ, उसकी नज़र में वह राजकुमारी समा गई। माँ से बोला मैं उससे शादी करूँगा, उसकी माँ ने कहा पागल है, कह मत देना नहीं तो हम जान से भी जाएंगे। अब मरता क्या ना करता, उसने तो 15 दिन हो गए खाना नहीं खाया, खटिया से लग गया, पति पहले से ही नहीं था, बेटा ऐसी हट करके बैठा था, क्योंकि पहले हम नौकरानियों से भी, आपको पता है माँ करके चाची करके गांव की यदि लड़की हो और सफाई वाली भी हो तो हम लोग उससे ऐसे नहीं बोलते थे, कोई भी आप समझिए, काम वाली को काम वाली नहीं कहते थे, चाची ताई जो जिस उम्र का होता था उससे बहुत लहजे से बात करते थे। आजकल तो आपको पता है अपनी मम्मी को भी आप लोग क्या कहते हैं, मम्मी, हमने कहा चाचा की पत्नी चाची होती है, फूफा की पत्नी फूफी होती है, मौसा की पत्नी मौसी होती है, तो पापा की पत्नी कौन हो गई? मम्मी पापी हुई, सबकी पत्नियाँ उसके अनुसार होंगी तो पापा की पत्नी कौन हुई पापी? तो उसने पूछा धाई माँ क्या हुआ, आप क्यों उदास हो? तो फूट फूट के रोने लगी, कहने लगी बेटा मेरा तो जीवन समाप्त हो जाएगा, एक बेटा है वो भी ऐसी हट कर बैठा,
बोली आप चिंता मत करो, मैं कोई रास्ता निकालूंगी। बोली क्या रास्ता निकलेगा बेटा, कुछ रास्ता नहीं निकल सकता है, राजा से कह भी मत देना। तो वो बोली कोई बात नहीं धाई माँ, मैं आपको वचन देती हूँ कि आपको कोई कष्ट नहीं होगा। आजकल तो घर के लोगों को भी कष्ट देने में अपन बाज नहीं आते, कोई एक पूछे तो नहीं तुम्हारे, फिर तुम उसे परेशान कर देते हो, क्योंकि बहुत हमारे अंदर सिर्फ क्रोध का नाला हो गया। हम गंगा सागर और गंगा जल नहीं रहे कि जो स्वच्छ पानी हो, दिल एक मधुमक्खी का छत्ता हो गया जिसमें दिन रात भिन भिनाहट होती है। दिल एक ऐसा हो गया जहाँ चोरों ने डेरा बना लिया, वहाँ मालिक तो कभी झांकता ही नहीं, फिर तो चोर सब अपनी मालकियत करेंगे और लड़ेंगे। हमारी पांचों इंद्रिय रूपी चोरों ने यहाँ कब्जा कर लिया। तो वैसा ही हुआ, उसने पिताजी से जाके राजमहल में कहा कि मैं आपसे एक अरदास करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कहो क्या बात है। कहने लगे आप पहले ये बोलिए अभय दान दीजिए, मैं कुछ बात कहूँगी लेकिन आप पहले अभय दान दीजिए। बोले किसको? बोले दो प्राणी को अभय दान दीजिए। बोले बेटी को बहुत प्यार करता था, बाप ने कहा अभय दान दिया बता। तो कहने लगी पिताजी एक समस्या है, मैं उसका समाधान भी बताऊँगी, समस्या भी बताऊँगी और समाधान भी बताऊंगी। हर विवाद का हल हो सकता है सात बात के द्वारा, जहाँ ही गए वहाँ तर्क है और जहाँ भी गए वहाँ समाधान है। आपके घरों में लड़ाई क्यों है? मेरा ही है, मेरा ही पति है, मेरा ही बेटा है। लो तकरार शुरू हो गई, मेरा पति है, आपका भी बेटा है, तकरार समाप्त हो गई। जहाँ भी विशाल दिल करके चलो, पड़ोसी भी है तो वो भी जीवात्मा है, कल सिद्ध बन जाएगा। उस बेटी ने भी पिताजी से कहा पिताजी ऐसा है कि जो धाई माँ गई उनका बेटा एक दिन आया होगा राजमहल, उसने मुझे देख लिया और कहता है मुझसे विवाह करेगा। पिताजी तो इतना सुनते ही आग बबूला हो गए। कहने लगे उसकी इतनी हिम्मत? तो कहने लगी शांत रखिए, आप अभय दान दे चुके हैं। बोले क्या शांति रखूं? उसने कहा मैं बताती हूँ, ना सांप मरे ना लाठी टूटे। उनने कहा क्या बताओगी तुम, एक बच्ची होकर क्या निर्णय लोगी? उसने कहा मैं निर्णय बिल्कुल सही लूंगी। उन्होंने क्या क्या लोगी बेटी? तो वो कहने लगी कि पिताजी आप एक शर्त रखिए कि वो 6 महीना योगी की तरह साधना करे, अचल योगी बनकर पहाड़ पर तपस्या करे, और ना पहरेदार लगा दीजिए, ना वो खाए ना पिए ना उठे, एक जगह अचल योगी खड़ा रहेगा, 6 महीने में खुद ही मर जाएगा। तो ना सांप मरे ना लाठी टूटे, पिताजी आपका वचन भी रह जाएगा, आपको हिंसा का पाप नहीं लगेगा। तो कहने लगे कैसे होगा? कहने लगे पिताजी एक तो वो 6 महीना भूखा प्यासा जिंदा नहीं रह पाएगा, और यदि जिंदा रह गया तो कोई कायर पुरुष नहीं होगा, उससे मेरा विवाह कर देना, उससे मेरा विवाह कर देना, ये बात भी पक्की है, मैं उससे विवाह कर लूँगी, क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली पुरुष होगा। पिताजी ने कहा ठीक कहती तू, 6 महीना तो मर जाएगा। कहते हैं उसको शर्त रखी गई और उसने सोचा चलो 6 महीना जी लूँगा, मरने से तो अच्छा है। और 6 महीना पहाड़ पर उसी का ध्यान करता रहा, बाहर से संत था अंदर से शैतान था, अंदर से काम वासना थी, और जब ध्यान करता रहा 6 महीना पूरे हो गए। बेटी ने पिताजी से कहा पिताजी विवाह की तैयारी कीजिए, मैं उसी से विवाह करूँगी। मन मार कर पिताजी को कहना पड़ा राजघराने में तैयारी करो। मंगलाचार होने लगे, बाजे बजने लगे, दुल्हन को सजाया गया, वरमाला हाथ में दी गई और उसकी बाजों की ध्वनि आ रही है, गीतों की आवाज़ आ रही है। फिर सोच रहा है चलो 6 महीना पूरे हुए, आखिर मिल तो गई। उसी का चित्रण उसकी दिल में और दिमाग में घूम रहा है, लेकिन जैसे वो पास गई तब आंखें नहीं खोली। उस राजकुमारी ने कहा अरे जिसके लिए 6 महीना इतनी कठिन साधना की गई वो सामने खड़ी है, आंखें खोलो, तुमने कितनी बड़ी तपस्या मेरे लिए की है। फिर भी आंखें नहीं खोली। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गए, गाना गीत गाना भी बंद हो गया, बाजे भी बंद हो गए,
राजकुमारी ने पैरों में लिपट कर कहा, कैसे निष्ठुर हो जिसके लिए 6 महीना तुमने इतनी कठिन साधना की वो सामने खड़ी है, तुम क्या पत्थर दिल हो गए। आँख खोल कर कहा कि मेरा नजरिया बदल गया। यदि झूठी तपस्या से राजकुमारी मिल सकती है जो कि ये फुदगल देह की परिणति है, स्वभाव तो असुचो का है, रत्नात्रय पवित्र थे, यदि जो ये देह की पुतली जो कामनी है एक दिन मुझसे विदा लेगी तो मैं उसकी कामना करता हूँ जो एक बार मिलने के बाद कभी विछोह नहीं होता। मैं मुक्ति सुंदरी की कामना में लग गया, अब तेरी तरफ दृष्टि नहीं है। तो आप लोग भी ध्यान रखना, उतना ही आनंद आता है जितने कवि लेखक बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए वो विवाह नहीं करते हैं, क्योंकि जो विवाह में एकाग्रता बनती थी, आसक्ति बनती थी, वो शोध में बन गई। और संत तो सचमुच बाह्य से भी दिगंबर होते हैं, अंतरंग से दिगंबर होते हैं, इसीलिए वो एक दिन वीतरागी परमात्मा होते हैं। आप सब भी परमात्मा बने। और जैसा कहा, आयु के एक सांस में मत जाने देना, एक सांसों को भी सार्थक कर लेना, वरना वेंटिलेटर पर पता चलेगा कि ये सांसें कितनी मिली थी। आप लोग सब सांसें सार्थक करें। और आज आप लोग इतनी तेज बारिश में आए हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद है मेरा। और आज पंडित जी विमल कुमार जी सौर्या जी आप लोगों के बीच में आए हैं। हम बहुत पहले जब हम निकले थे तब पंडित जी साहब मंगावली भी आए थे, वहाँ पर सेमिनार लगा था। तो अभी मैं देख कर यही सोच रही थी कि धीरे धीरे उम्र के साथ काया में परिवर्तन आ जाता है, लेकिन वास्तव में ज्ञानियों के दिल और दिमाग में जिन वाणी चलती है तो इनकी स्मृति में कभी परिवर्तन नहीं आता है। और कहते हैं, कटोरे पे कटोरा बेटा, बाप से भी गोरा। वर्धमान भाई सब भी, वर्धमान भैया भी एक दो विधानों में गुड़गांव आदि हमने बुलाया है, बहुत अच्छा विधान कराते हैं। एक बार आप सबको अच्छे अच्छे विद्वानों का सौभाग्य सानिध्य मिला है। टीकमगढ़ इस नाम से जाना जाता है कि आपके यहाँ के व्रति भी हैं, संयमी भी हैं और विद्वान भी हैं। तो इन्हीं सुभावनाओं से आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। और आप लोग भी समय पर आते रहें। बोली आदिनाथ भगवान। तिथि एक दिन उसका बेटा उसे बुलाने गया, और आपको पता है विषयासक्त चित्ता नाम गुणा को वा ननस्वती, कौन सी अपनी औकात भूल जाता आदमी। और गया तो उसकी लड़के राजकुमारी की सेवा करती थी उसकी माँ, उसने देखा बस। फिर तो क्या है, आपको पता है मैंने कहा था, नज़र हया भी बन जाती है, बेहया भी बन जाती है। लड़ जाए तो दुख देती है, भिड़ जाए तो दुख देती है, आ जाए तो दुख देती है, चली जाए तो दुख देती है। और वैसे ही हुआ, उसकी नज़र में वह राजकुमारी समा गई। माँ से बोला, मैं उससे शादी करूँगा। उसकी माँ ने कहा, पागल है, कह मत देना, नहीं तो हम जान से भी जाएंगे। अब मरता क्या ना करता, उसने तो 15 दिन हो गए खाना नहीं खाया, खटिया से लग गया, पति पहले से नहीं था, बेटा ऐसे हट करके बैठा था, क्योंकि पहले हम नौकरानियों से भी, आपको पता है, माँ करके चाची करके गांव की यदि लड़की हो और सफाई वाली भी हो तो हम लोग उससे ऐसे नहीं बोलते थे कोई भी। आप समझिए, काम वाली को काम वाली नहीं कहते थे, चाची ताई जो जिस उम्र का होता था उससे बहुत लहजे से बात करते थे। आजकल तो आपको पता है, अपनी मम्मी को भी आप लोग क्या कहते हैं, मम्मी। हमने कहा चाचा की पत्नी चाची होती है, फूफा की पत्नी फूफी होती है, मौसा की पत्नी मौसी होती है, तो पापा की पत्नी कौन हो गई, मम्मी पापी हुई। सबकी पत्नियाँ उसके अनुसार होंगी, तो पापा की पत्नी कौन हुई, पापी। तो उसने पूछा, धाई माँ क्या हुआ, आप क्यों उदास हो। तो फूट फूट के रोने लगी, कहने लगी, बेटा मेरा तो जीवन समाप्त हो जाएगा, एक बेटा है वो भी ऐसी हट कर बैठा। बोली, आप चिंता मत करो, मैं कोई रास्ता निकालूंगी। बोली, क्या रास्ता निकलेगा बेटा, कुछ रास्ता नहीं निकल सकता है, राजा से कह भी मत देना। तो वो बोली, कोई बात नहीं धाई माँ, मैं आपको वचन देती हूँ कि आपको कोई कष्ट नहीं होगा।
आजकल तो घर के लोगों को भी कष्ट देने में अपन बाज नहीं आते, कोई एक पूछे तो नहीं तुम्हारे, फिर तुम उसे परेशान कर देते हो, क्योंकि बहुत हमारे अंदर सिर्फ क्रोध का नाला हो गया। हम गंगा सागर और गंगा जल नहीं रहे कि जो स्वच्छ पानी हो, दिल एक मधुमक्खी का छत्ता हो गया जिसमें दिन रात भिन भिनाहट होती है। दिल एक ऐसा हो गया जहाँ चोरों ने डेरा बना लिया, वहाँ मालिक तो कभी झांकता ही नहीं, फिर तो चोर सब अपनी मालकियत करेंगे और लड़ेंगे। हमारी पांचों इंद्रिय रूपी चोरों ने यहाँ कब्जा कर लिया। तो वैसा ही हुआ, उसने पिताजी से जाके राजमहल में कहा कि मैं आपसे एक अरदास करना चाहती हूँ। उन्हें कहा कहो क्या बात है। कहने लगे आप पहले ये बोलिए अभय दान दीजिए, मैं कुछ बात कहूँगी लेकिन आप पहले अभय दान दीजिए। बोले किसको? बोले दो प्राणी को अभय दान दीजिए। बोले बेटी को बहुत प्यार करता था, आपने कहा अभय दान दिया, बता। तो कहने लगी पिताजी एक समस्या है, मैं उसका समाधान भी बताऊँगी, समस्या भी बताऊँगी और समाधान भी बताऊंगी। हर विवाद का हल हो सकता है स्याद बात के द्वारा, जहाँ ही गए वहाँ तर्क है और जहाँ भी गए वहाँ समाधान है। आपके घरों में लड़ाई क्यों है? मेरा ही है, मेरा ही पति है, मेरा ही बेटा है। लो तकरार शुरू हो गई, मेरा पति है, आपका भी बेटा है, तकरार समाप्त हो गई। जहाँ भी विशाल दिल करके चलो, पड़ोसी भी है तो वो भी जीवात्मा है, कल सिद्ध बन जाएगा। उस बेटी ने भी पिताजी से कहा पिताजी ऐसा है कि जो धाय मांग है उनका बेटा एक दिन आया होगा राजमहल में, उसने मुझे देख लिया और कहता है मुझसे विवाह करेगा। पिताजी तो इतना सुनते ही आग बबूला हो गए। कहने लगे उसकी इतनी हिम्मत? तो कहने लगी शांत रखिए, आप अभय दान दे चुके हैं। बोले क्या शांति रखूं? उसने कहा मैं बताती हूँ, ना सांप मरे ना लाठी टूटे। उनने कहा क्या बताओगी? तुम एक बच्ची होकर क्या निर्णय लोगी? उसने कहा मैं निर्णय बिल्कुल सही लूंगी। उन्होंने क्या क्या लोगी बेटी? तो वो कहने लगी कि पिताजी आप एक शर्त रखिए कि वो 6 महीना योगी की तरह साधना करे, अचल योगी बनकर पहाड़ पर तपस्या करे, और ना पहरेदार लगा दीजिए, ना वो खाए ना पिए ना उठे, एक जगह अचल योगी खड़ा रहेगा, 6 महीने में खुद ही मर जाएगा। तो ना सांप मरे ना लाठी टूटे, पिताजी आपका वचन भी रह जाएगा, आपको हिंसा का पाप नहीं लगेगा। तो कहने लगे कैसे होगा? कहने लगे पिताजी एक तो वो 6 महीना भूखा प्यासा जिंदा नहीं रह पाएगा, और यदि जिंदा रह गया तो कोई कायर पुरुष नहीं होगा, उससे मेरा विवाह कर देना, उससे मेरा विवाह कर देना, ये बात भी पक्की है, मैं उससे विवाह कर लूँगी, क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली पुरुष होगा। पिताजी ने कहा ठीक कहती तू, 6 महीना तो मर जाएगा। कहते हैं उसको शर्त रखी गई और उसने सोचा चलो 6 महीना जी लूँगा, मरने से तो अच्छा है। और 6 महीना पहाड़ पर उसी का ध्यान करता रहा, बाहर से संत था अंदर से शैतान था, अंदर से काम वासना थी, और जब ध्यान करता रहा 6 महीना पूरे हो गए। बेटी ने पिताजी से कहा पिताजी विवाह की तैयारी कीजिए, मैं उसी से विवाह करूँगी। मन मार कर पिताजी को कहना पड़ा राजघराने में तैयारी करो। मंगलाचार होने लगे, बाजे बजने लगे, दुल्हन को सजाया गया, वरमाला हाथ में दी गई और उसकी बाजों की ध्वनि आ रही है, गीतों की आवाज आ रही है। फिर सोच रहा है चलो 6 महीना पूरे हुए, आखिर मिल तो गई। उसी का चित्रण उसकी दिल में और दिमाग में घूम रहा है, लेकिन जैसे वो पास गई तब आंखें नहीं खोली। उस राजकुमारी ने कहा अरे जिसके लिए 6 महीना इतनी कठिन साधना की गए वो सामने खड़ी है, आंखें खोलो, तुमने कितनी बड़ी तपस्या मेरे लिए की है। फिर भी आंखें नहीं खोली। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गए, गाना गीत गाना भी बंद हो गया, बाजे भी बंद हो गए। राजकुमारी ने पैरों में लिपट कर कहा कैसे निष्ठुर हो, जिसके लिए 6 महीना तुमने इतनी कठिन साधना की वो सामने खड़ी है, तुम क्या पत्थर दिल हो गए? आँख खोल कर कहा
कि मेरा नजरिया बदल गया। यदि झूठी तपस्या से राजकुमारी मिल सकती है जो कि ये फुदगल देह की परिणति है, स्वभाव तो असुचो का है, रत्नात्रय पवित्र थे, यदि जो ये देह की पुतली जो कामनिंग है एक दिन मुझसे विदा लेगी तो मैं उसकी कामना करता हूँ जो एक बार मिलने के बाद कभी विछोह नहीं होता। मैं मुक्ति सुंदरी की कामना में लग गया, अब तेरी तरफ दृष्टि नहीं है। तो आप लोग भी ध्यान रखना, उतना ही आनंद आता है जितने कवि लेखक बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए वो विवाह नहीं करते हैं, क्योंकि जो विवाह में एकाग्रता बनती थी, आसक्ति बनती थी, वो शोध में बन गई। और संत तो सचमुच बाह्य से भी दिगंबर होते हैं, अंतरंग से दिगंबर होते हैं, इसीलिए वो एक दिन वीतरागी परमात्मा होते हैं। आप सब भी परमात्मा बने। और जैसा कहा, आयु के एक सांस में मत जाने देना, एक सांसों को भी सार्थक कर लेना, वरना वेंटिलेटर पर पता चलेगा कि ये सांसें कितनी मिली थी। आप लोग सब सांसें सार्थक करें। और आज आप लोग इतनी तेज बारिश में आए हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद है मेरा। और आज पंडित जी विमल कुमार जी, सौर्या जी आप लोगों के बीच में आए हैं। हम बहुत पहले जब हम निकले थे तब पंडित जी साहब मंगावली भी आए थे, वहाँ पर सेमिनार लगा था। तो अभी मैं देख कर यही सोच रही थी कि धीरे धीरे उम्र के साथ काया में परिवर्तन आ जाता है, लेकिन वास्तव में ज्ञानियों के दिल और दिमाग में जिन वाणी चलती है तो इनकी स्मृति में कभी परिवर्तन नहीं आता है। और कहते हैं कटोरे पे कटोरा बेटा, बाप से भी गोरा। वर्धमान भाई सब भी, वर्धमान भैया भी एक दो विधानों में गुड़गांव आदि हमने बुलाया है, बहुत अच्छा विधान कराते हैं। एक बार आप सबको अच्छे अच्छे विद्वानों का सौभाग्य सानिध्य मिला है। टीकमगढ़ इस नाम से जाना जाता है कि आपके यहाँ के व्रती भी हैं, संयमी भी हैं और विद्वान भी हैं। तो इन्हीं सुभावनाओं से आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। और आप लोग भी समय पर आते रहें। बोलिए आदिनाथ भगवान।